हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत विधि विधान पूर्वक मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले लड्डू गोपाल के अनुयायी बहुत उत्साह और जोर शोर से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में आठवां अवतार लिया था। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कान्हा का जन्म रात्रि में हुआ था, इस वजह से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने का विधान है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को श्रृंगार पूजा पाठ में कई तरह के वस्तुएं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल के जन्म पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, उसका नाम है खीरा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जन्माष्टमी में खीरे के बिना कृष्ण का जन्मोत्सव अधूरा माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं क्यों अधूरा माना जाता है खीरे के बिना कृष्ण जन्माष्टमी। मनु 7 सितंबर शुभ दिन बृहस्पतिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव महापर्व के पूजन में सबसे खास सामग्री है खीरा। इसके बिना भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा अधूरी बताई गई है। खीरा डंठल के साथ लगा हुआ खीरा जो रात्रि 12 बजे जन्म के समय डंठल को काट कर खीरे से अलग किया जाता है। जिस प्रकार जन्म लेने के बाद प्राणी को गर्भनाल काट करके उसकी माता से अलग किया जाता है, वही मान्यता है कि डंठल काटते समय भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी से अलग किया जाता है, तब जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी में खीरे का महत्व बताया गया है।